brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. स्पोर्ट्स अखबार आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकेंड फुटबॉल राउंडअप में, जहां आपको पता चलेगा कि इस हफ्ते कौन कौन सी टीमों का मुकाबला हुआ। देखने को मिलेंगे कई सारे एक्साइटिंग रिजल्ट्स अलग अलग टीमों के बीच में, अलग अलग लीग में जितने भी मैच हुए हैं उनके बारे में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस को लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है और ग्लोबल गेम के कारण, अलग अलग लीग्स के कारण इतने सारे मैच होते हैं कि सारे मैचेस को कवर करना आसान नहीं होता। तो शुरुआत करते हैं इस हफ्ते जो जितने भी सारे मैचेस हुए हैं फुटबॉल के, अलग अलग तमाम टीमें खेली हैं उनके बारे में बात करते हुए। अगर बात करें प्रीमियर लीग की, तो आपने कल के मैच भी देखे होंगे और उससे एक दिन पहले के मैच भी देखे होंगे, यानी कि सैटरडे और संडेज की अगर बात करें। जहां पर अगर बात करें मैनचेस्टर सिटी की, अर्लिंग हालैंड की हैट्रिक आई है, 3-0 से वुल्वरहैम्पटन को उन्होंने हराया। आर्सेनल ने भी ज़बरदस्त मुकाबला खेला, मैन यूनाइटेड को हराया। लिवरपूल चेल्सी की बात करें तो हालत थोड़ी सी नाजुक है लिवरपूल और चेल्सी दोनों की, क्योंकि 9वें-10वें रैंक पर ये दोनों टीमें हैं और अपना मुकाबला ड्रॉ करके आई हैं। अलग लीग पे अगर चल के बात करें, बार्सिलोना की, उन्होंने अपना मैच जीता। रियल मैड्रिड ने भी अपना मैच जीता। एटलेटिको मैड्रिड ने भी अपना मैच जीता। वहीं बुंडेसलीगा में बायर्न और डॉर्टमुंड की जीत हुई है। ऐसे अलग अलग टीमें और अलग अलग मैचेस का स्कोर आप मेरे सामने देख भी सकते हैं। स्क्रीन पे जो टेबल आपको नजर आ रही है वहां पर आप जाके देख भी सकते हैं कि यार कौन कौन से मैच हुए हैं और जो टीमें हैं किस कितने मार्जिन से जीती भी हुई हैं। और इसके बाद अगर बात करें टॉप पांच लीगों में टॉप पांच टीम्स की, उसमें भी आपको पता चलेगा कि भाई पांच टीम्स, हमने यहाँ पर 25 टीमों के बारे में आपको पॉइंट्स वाइज बताया कि कौन सी टीम अभी नंबर एक पर है, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पाँच पर। प्रीमियर लीग की बात करें, आर्सेनल 50 पॉइंट्स के साथ नंबर एक पर है, उनके नीचे मैनचेस्टर सिटी 45वें पॉइंट पर है, 5 पॉइंट्स पीछे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एडवांटेज एक है आर्सेनल को, क्योंकि उन्होंने 19 मैच खेले हैं। और इसी तरह बाकी टीमों की अगर बात करें, बाकी लीग्स की भी बात करें, तो बार्सिलोना नंबर एक पर लालीगा में, रियल मैड्रिड उनसे नीचे नंबर दो पर, और एटलेटिको मैड्रिड का भी आप देख सकते हैं। बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिक एज ऑलवेज नंबर एक पर। डॉर्टमुंड की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा हालत उनकी अच्छी नहीं है उनके लेवल के हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर यूनियन बर्लिन है, आरबी लाइपज़िग भी है, और अगर बात करें सीआरए में तो वहाँ पर इंटर मिलान, एसी मिलान दबदबा बहुत ज़्यादा कायम है। यूवेंटस की भी बात करेंगे, हालांकि यूवेंटस में एक चीज़ आपको पता चली होगी, जो खबर आई होगी कि यूवेंटस पर मार्क लगा जहां पर उनके 15 पॉइंट्स माइनस हो सकते हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो यूवेंटस ऐसे ऐसे यानी कि ऊपर से सीधे धड़ाम से नीचे ऐसे गिरेगी। और अगर इसके बाद में बात करें पीएसजी की, फ्रेंच लीग की अगर बात करें, लीग वन, तो वहाँ पर पीएसजी नंबर एक पॉइंट्स पर है। लेकिन अगर कल का मुकाबला देखा होगा आपने, अर्लिंग हालैंड ने जो 3 गोल स्कोर किए, उसमें एक चीज़ पता चलेगा, सबसे तेज़ खिलाड़ी बन गए हैं मैनचेस्टर सिटी की, जिन्होंने 18 गोल स्कोर किए हैं सबसे कम मैच में। सर्जियो अगुएरो का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, और साथ ही साथ उन्होंने 4 प्रीमियर लीग हैट्रिक भी स्कोर किए हैं। उन्होंने न सिर्फ मोहम्मद सलाह का रिकॉर्ड तोड़ा है, साडियो माने का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, सर्जियो अगुएरो का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज़्यादा तेज़ प्रीमियर लीग की हैट्रिक स्कोर करने का, 4 हैट्रिक स्कोर करने के बारे में अगर बात करें, क्योंकि उनकी चौथी हैट्रिक थी ये। मोहम्मद सलाह ने भी काफ़ी गेम्स लिए थे 4 हैट्रिक कंप्लीट करने के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी तक सिर्फ 3 ही हैट्रिक स्कोर किए हैं, क्योंकि प्रीमियर लीग में उनका सफ़र खत्म हो चुका है, इसीलिए अगर खेलते तो हो सकता है ये कॉन्टेस्ट आगे जाते हुए देख सकता था। लेकिन अगर बात करें दूसरे मुकाबले में भी, मुड्रिक जो कि नए खिलाड़ी हैं चेल्सी के, उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया है लिवरपूल के खिलाड़ियों को। मैच हालांकि 0-0 से ड्रॉ रहा, लेकिन ये साइनिंग चेल्सी की एक सबसे बड़ी साइनिंग के रूप में जाने जा सकती है आने वाले समय में। बात करें आर्सेनल की, एडी एनकेटिया ने 2 गोल स्कोर किए हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें बुकायो साका, उन्होंने भी अपना 1 गोल स्कोर किया। तो इन दोनों के ही गोल महत्वपूर्ण थे आर्सेनल की जीत के लिए, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन्होंने कल 3-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की अगर बात करें, 1-0 से हालांकि उन्होंने मैच अपना ज़रूर जीता, लेकिन वो गोल स्कोर किया है पेड्री ने फर्स्ट हाफ के पहले। एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी यही हुआ, 3 गोल ज़रूर स्कोर किए, जहां पर एंटवान ग्रीज़मैन का ज़बरदस्त गेम देखने को मिला, लेकिन सभी गोल्स 28 मिनट के अंदर हो गए। अब बहुत ज़्यादा ऐसा भी अच्छा नहीं लगता कि यार गोल मार्जिन से टीम जीत रही है, लेकिन फर्स्ट हाफ के पहले ही सारे के सारे गोल स्कोर हो जाए, उसके बाद कोई गोल स्कोर ही नहीं हो। और इसी तरह आपको अगर कुछ इनसाइट्स दें फुटबॉल के बारे में, मैचेस के बारे में, तो आपको जैसे मैंने अर्लिंग हालैंड की बात बताई कि सबसे तेज़ खिलाड़ी बने मैनचेस्टर सिटी के, 18 गोल प्रीमियर लीग में स्कोर करने वाले, सर्जियो अगुएरो का रिकॉर्ड तोड़ा। चेल्सी की अगर बात करें, तो पिछले 6 मैचेस में से चेल्सी को जीत नसीब नहीं हुई है प्रीमियर लीग में, उनका सबसे ख़राब सीज़न में से एक सीज़न और एक रिकॉर्ड 2015 में ऐसा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा ख़राब मैच
खेले थे, उन्हें जीत नसीब नहीं हो रही थी, लेकिन ये भी एक बन रहा है। आर्सेनल की अगर बात करें तो एडी एनकेटिया ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं आर्सेनल हिस्ट्री में जिन्होंने 90 मिनट विनर आर्सेनल की तरफ से स्कोर किया। 2007 में थियरी हेनरी का गोल आपको याद होगा जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने मारा था और अपनी टीम को जीत भी दिलाई थी। ऐसे ढेर सारे इंसाइट्स भी आपको मिल सकते हैं अगर आप हमारा ये वीडियो हर वीकेंड देखते आएँ, क्योंकि हम इस वीडियो को हर वीकेंड आपके लिए लाएंगे फुटबॉल के वीडियोज़ को, जहाँ पर आप फुटबॉल की तमाम इंसाइट्स देख सकते हैं, मैच रिजल्ट भी देख सकते हैं, पॉइंट्स टेबल के बारे में भी देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, और इसके अलावा ढेर सारे कंटेंट भी रहेंगे जहाँ पर आप जा सकते हैं और YouTube में देख भी सकते हैं। माय 11 सर्कल को ना भूलें, क्योंकि माय 11 सर्कल में आप न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल की भी आप टीम बना सकते हैं। ढेर सारे मैच होते हैं, सैटरडे संडे भरमार रहती है, और अगले महीने से तो चैंपियंस लीग की शुरुआत होनी है। अब एक महीने से भी कम का समय है तो चैंपियंस लीग का वेट है हम सबको। उम्मीद करते हैं कि आपको भी होगा। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो मैचेस के बारे में हमने बताया, लीग्स, मैच रिजल्ट्स और इनसाइट्स, वो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आने वाले वीडियो के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा और इंतजार। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।